अस्सलाम वालेकुम जी, हाज़र हैं हम एक और वीडियो लेके आप दोस्तों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ओप्पो A37 को ओपन कर सकते हैं। ये ओप्पो का मॉडल है A37, इसको मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि आप किस तरीके से इसको जो है वो खोल सकते हैं। इसकी जो पोर्ट होती है ये बैक साइड यूनिवर्सल होती है, वो इजीली उतर जाती है। ये देख लें जी, ये इस तरीके से इसकी जो बैक है वो साइड हो गई है और ये आप इसको मुकम्मल खोलते हैं। इसके बाद इसकी बैटरी को ये इसके शॉपर वगैरह साइड पे करके इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने बैटरी को इसको निकालना है। इसके अंदर तो काफ़ी हार्ड तरीके का गम पेपर लगा होता है जो इसको आसानी से उतरने नहीं देता। अपने आहिस्ता 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 करके इसको उतारना। जैसे कि मैं उतार रहा हूँ आपने इसको उतारने के लिए किसी भी नोकदार चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। ये देख लेंगे बैटरी रिमूव हो चुकी है, ये उसके बाद ये सीधी भी हो जाएगी, फिर कोई इशू नहीं है। और इसका ये पेपर गम है आप उसको रिमूव कर दें। ये बैटरी भी साइड पे आ गई। अब आता है जी मरला यूनिट को निकालना। ऊपर वाले साइड पे इसकी जो होता है ये लगी हुई, ये इसकी टच स्ट्रिप होती है, सबसे पहले आपने टच स्ट्रिप को उतार लेना।
उतारने के बाद आपने बोर्ड को निकाल लेना। बिल्कुल इस तरीके से ये बोर्ड भी बाहर आ गया। अब आता है तीसरा मरला इसके यूनिट को अलग करने का। सबसे पहले आपने हीट के ज़रिए इसको हल्का हीट करना है। अब काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है और एक रबड़ का पेपर ये लेके ना आपने इसको एक साइड पे निकालना शुरू करना। और इसको एहतियात के साथ ऊपर से नीचे की तरफ लेके देना है। और फिर नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ से हल्का फुल्का इस चीज़ में आपने जल्दी नहीं करनी है। आहिस्ता 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 करके इसको निकालना ताकि ये यूनिट ब्रेक ना हो। ये निकालने के बाद मैं भी आपको चेक करवाऊंगा कि ये यूनिट बिल्कुल अपनी सही हालत में है और ये सही तरीके से उतर चुका है, और मैं निकालने के बाद आपको चेक भी करवाऊँगा। इतना खोलने के बाद इसको और ज़रा सा हीट करते हैं ताकि ये और आसानी से खुल जाए। निकला ये हीट का इस्तेमाल किया और इसके इस्तेमाल के बाद ये देख रहे खुद ब खुद जो यूनिट है वो निकल के बाहर आ गया। अब मैं आपको इसको बोर्ड के ऊपर लगा के चेक कराऊंगा कि आया ये यूनिट बिल्कुल ठीक तरीके से उतरा है या नहीं।
ये देख लें जी आपके सामने ये जूनट है वो उतर चुका है और ये बिल्कुल सही हालत में है। ये हेड लगाने की वजह से इसमें थोड़ा सा निशान आ गया है, ये काफ़ी थोड़ी देर बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने पे खुद ब खुद ही निकल जाएगा।